हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री फेज करंट मेजरमेंट के लिए तीन एमीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें थ्री फेज मेजरमेंट के लिए हमने एक ही एमीटर का कनेक्शन किया था। उसमें हमने जनरली एक रोटरी स्विच का यूज किया था और रोटरी स्विच से घुमा घुमा के हमने देखा था कि आर फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा, वाई फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा और बी फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम जनरली उसमें एक एमीटर का यूज किया था, एक रोटरी स्विच का यूज किया था, इसमें हम तीन एमीटर का यूज करेंगे और तीन एम्पीयर एक तीन एमीटर का यूज करेंगे और हर फेज का अलग अलग करंट को देखेंगे किस तरह उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या लगेगे, तीन करंट ट्रांसफॉर्मर लगेगे, इसके अलावा तीन एम्पीयर मीटर लगेगी। फ्रेंड्स हमारे पास एक ही एम्पीयर मीटर अवेलेबल था। इस कनेक्शन को हम जनरली ड्राइंग के द्वारा देखेंगे। इसमें हमें तीन करंट ट्रांसफार्मर लगेंगे जो जनरली तीन फेज के लिए लगेगा, एक आर फेज के लिए लगेगा, एक वाई फेज के लिए लगेगा और एक बी फेज के लिए लगेगा। फ्रेंड्स करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखी जाए तो जनरली डिवाइड में होती, जैसे ये 250/5 के करंट ट्रांसफार्मर है तो ये 250/5 का मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। पहले इसमें और दो टर्मिनल होते हैं S1 और S2 जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं। फ्रेंड्स ये काम किस तरह करता थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें से एक फेज हम निकालते हैं, गुजारते हैं, तो फ्रेंड्स जो फेज यहाँ से फ्लो हुआ वो जनरली होगा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये जो होगी ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब फ्रेंड्स 250/5 का मतलब क्या होता है, इसमें से सपोज 250 करंट एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमें 5 एम्पीयर करंट शो करेगा। तो इस तरह करंट ट्रांसफार्मर काम करता है कि जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी से। तो फ्रेंड्स हम जनरली इसमें तीन सीटी का यूज करेंगे, तीन फेज के लिए तीन एमीटर का यूज करेंगे और हर फेज के लिए सेपरेट करंट को मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम पहले वाला कनेक्शन में देख लेते हैं जिसमें हमने एक रोटरी स्विच लगा के एक एमीटर से तीनों का कनेक्शन किया था, उसको जस्ट ओवर व्यू के लिए समझ लेते हैं। जिसने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा था उसको ओवर व्यू के लिए जस्ट समझ लेते हैं। आपको उसे अच्छे से समझना है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अभी जस्ट इसमें ओवर व्यू समझ लेते हैं उसमें हमने क्या किया था। फ्रेंड्स ये रोटरी स्विच वाला देख लेते हैं, ये हमारा एक रोटरी स्विच लगा हुआ है, ये तीन फेज गए हुए, उसके लिए तीन करंट ट्रांसफार्मर हमने लगा के रखे और उसके लिए जनरली हमने एक ही एमीटर को यूज किया था। हम यहाँ से रोटरी स्विच को घुमा घुमा के जिस फेज का देखना होता था हम यहाँ पे करंट मेजर कर लेते थे। सपोज अभी आर पे तो ये आर का करंट शो कर रहा है, इसे हम वाई पे करेंगे तो ये वाई का करंट शो करेगा और इंडिविजुअली करंट हम मेजर कर सकते थे रोटरी स्विच घुमा के। बट हम चाहते हैं कि बिना रोटरी स्विच के कनेक्शन किस तरह हो, तीन एम्पीयर मीटर लगा के हम, ताकि एक ही हम एक साथ तीनों फेज को देख सके। तो पहले हम फ्रेंड्स पहला वाला देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, जो सीट के तीन H2 वायर थे उन्हें हमने जनरली शॉर्ट कर दिए थे। और क्या किया था, जो शॉर्ट करके जो हमारा टर्मिनल आया था ये फ्रेंड्स H2 का एक वायर टर्मिनल, टोटल में तीन टर्मिनल और H2 का ये वायर टर्मिनल हमने निकाल के एमीटर में दे दिया था। और एमीटर से निकालने के बाद इसे ले जाके जनरली हमने कॉमन टर्मिनल में दे दिया था और आर में यहाँ पे दे दिया था, वाई में यहाँ पे दे दिया था और बी में यहाँ पे दे दिया था। और जैसे हम अभी आर पे होता था आर और कॉमन एक साथ शॉर्ट होते थे और हमें रीडिंग यहाँ पे मिल जाती थी, ये स्टार कनेक्शन हुआ था। फ्रेंड्स हम इसे जनरली दो तरीके से भी कर सकते हैं। यदि हम क्या करें, H2 को शॉर्ट करके यहाँ हम H2 को शॉर्ट करके रख देते हैं, आर वाई भी ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ के दोनों वायर A1 और A1 में दे देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हम दो तरीके से कर सकते हैं, कॉमन में देने की कोई जरूरत नहीं है। H2 को यदि हम शॉर्ट करके रख देते थे और ये एमीटर के जो दो वायर है उन्हें हम जनरली A में दे देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। फ्रेंड्स उस पुराने वाले वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, उससे आपको उसका पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि तीन एमीटर का कनेक्शन किस तरह करेंगे करंट मेजरमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि तीन फेज के लिए तीन एमीटर का कनेक्शन किस तरह करेंगे जिससे हमें हर फेज की रीडिंग हर एक एमीटर में अलग अलग मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास तीन एमीटर लगे हुए हैं और ये तीन सीटी लगे हुए। फ्रेंड्स इसमें एक चीज और होती है, हमारे पास जो एमीटर की जो रेटिंग होती है उसी रेटिंग के हमारे पास सीटी भी होना चाहिए। सपोज हमारे पास सीटी यहाँ पे लगा हुआ है 250/5 का, और तो हमारा जो मीटर होना चाहिए
वो भी 250/5 का होना चाहिए, हमारी सिटी है 250/5 की, और ये तो आमीटर भी हमारा 250/5 का होना चाहिए, ये हम ध्यान रखें। यदि हमारा 500/5 है तो 500/5 का होना चाहिए, जो रेटिंग हमारी सिटी की होगी वही रेटिंग हमारे मीटर की होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स ये हमारे पास सिंगल फेस का मीटर है, इस पे सिटी की रेटिंग नहीं है, डायरेक्ट मीटर है, इसे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अमीटर किस तरह होता है ये दिखाने के लिए रखा गया है। फ्रेंड्स जो थ्री फेस का जो मीटर होता है उसमें सिटी की रेटिंग यहाँ पे दी हुई होती है कि कितने वाई कितने का है, दैट मीन्स इसमें 250 एम्पीयर करंट यदि यहाँ से फ्लो होगा तो 5 एम्पीयर करंट को ये मेजर करेगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम देख लेते हैं किस तरह कनेक्शन करेगी। हमारे पास तीन सिटी है, S1, S2, S1, S2, S1, S2, तो हमें करना क्या है, इसका कनेक्शन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्टार पॉइंट बना के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले डायरेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक स्टार पॉइंट बना के भी देख लेंगे। फ्रेंड्स डायरेक्ट हम किस तरह करेंगे, S1 का पॉइंट को यहाँ से निकाल के इस एमीटर में दे देंगे और S2 को यहाँ पे दे देंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, S1 को यहाँ पे दे देंगे और S2 को यहाँ पे दे देंगे, फिर S1 को यहाँ पे दे देंगे और S2 को यहाँ पे दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह भी हमारा करंट यहाँ पे मेजर हो जाएगा कि इस आर फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है सिटी के थ्रू, और यहाँ पे हमें एमीटर शो करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेज में कितना फ्लो हो रहा है और बी फेज में कितना फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स ये तो हुआ कि डायरेक्ट हम ले लेंगे, एक दूसरा तरीका ये हुआ कि हम इसमें क्या करेंगे कि स्टार पॉइंट बनाएंगे, इसी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो हम क्या करेंगे, हमने सपोज ये S2 को ले लिया और इस S2 को ले लिया और एक इस S2 को ले लिया, हम क्या करेंगे तीनों S2 को शॉर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट पॉइंट हुआ हमारा ये S2 S2 S2, जो शॉर्ट पॉइंट हुआ उसे हम यहां पे दे देंगे, यहीं से लूपिंग करके यहां पे दे देंगे और यहीं से लूपिंग करके यहां पे दे देंगे, दैट मीन्स एमीटर के एक पॉइंट में शॉर्ट करके हम यहां पे वायर दे रही है। अब बचा हमारे पास एक टर्मिनल, ये बचा S1 वाला, तो S1 को हम यहां पे दे देंगे आसानी से, यहां के S1 को यहां पे दे देंगे और यहाँ के S1 को यहाँ पे दे देंगे। फ्रेंड्स इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो सिंपली भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स दूसरा तरीका उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था तो इसमें देख लेते हैं हम क्या करेंगे, ये S1 ये S2 है, S1 S2 S1 S2, तो हम क्या करेंगे S2 को शॉर्ट कर लेंगे तीनों को। अब हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट पॉइंट हुआ उसे ले जाके हम एमीटर के किसी भी एक पॉइंट में दे देंगे, इसी को यहीं से लूपिंग कर देंगे और इसी को यहीं से लूपिंग कर देंगे, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्टार पॉइंट बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 ये वाला बचा है तो S1 को ले जाके इस एमीटर में दे देंगे, इस S1 को ले जाके इस एमीटर में दे देंगे और इस S1 को ले जाके इस एमीटर में दे देंगे। तो दैट मीन्स फ्रेंड्स हमारा क्या करेगा, इस फेज में जितना करंट फ्लो होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, इस फेज में जितना करंट फ्लो होगा यहाँ से पता चल जाएगा और बी में जितना होगा यहाँ से पता चल जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह हम आसानी से तीनों फेस के करंट को मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही तरीके सही है देखे जाए तो, यदि आप स्टार पॉइंट बनाते तो भी सही है और आप डायरेक्ट देते हो तो भी सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर कंटिन्यू आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहते जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। फ्रेंड्स हम आगे एक सिंगल फेस एमीटर के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, देख के हम किसी भी लोड का करंट को डायरेक्ट मेजर किस तरह करें, यदि हम उसमें सिटी कनेक्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट जो हमारा मीटर होता है उससे हम सिंगल फेस के एमीटर के कनेक्शन को भी अगले वीडियो में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।